तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एनआईए जयपुर के द्वारा बेस 2020 के लिए इंटरनल असेसमेंट दिसंबर 2021 में जो आयोजित किया गया था उसमें सब्जेक्ट क्रिया शारीरिक फिजियोलॉजी का जो पेपर था उस पेपर के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में देखेंगे कि उस क्रिया शारीरिक या फिजियोलॉजी के जो पेपर था उस पेपर का पैटर्न क्या था और पैटर्न के साथ साथ उसमें क्वेश्चन जो है आपको किस तरह के पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इस पेपर में आपके पास में तीन पार्ट में जो है टोटल पेपर डिवाइड किया गया था, जिसमें आपके पास में पार्ट ए में जो है वो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, जिनमें आपके टोटल मिलाकर के 15 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन जो आपके पास में दो दो नंबर का था। टोटल मिलाकर के ये पोर्शन जो आपके पास में 30 नंबर का था। इसके बाद में अगर सेकेंड पोर्शन की बात करते हैं तो इसका जो सेकेंड पोर्शन था उसमें आपके पास में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक क्वेश्चन आपके पास में 5 नंबर का था। टोटल मिलाकर के 30 नंबर की जो सेकेंड पार्ट था। उसके बाद पार्ट थर्ड और पेपर का जो लास्ट पार्ट था वो था आपके पास में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन का, और इसमें आपको चार क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर टाइप के पूछे गए थे, हर एक क्वेश्चन जो आपके 10 नंबर का था। टोटल मिलाकर के 40 नंबर का ये होता है। तो इसमें देखते हैं कि पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके पास में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको कौन सा था उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि मेद व मज्जा धातु का अंजलि प्रमाण लिखिए, राइट प्रमाण ऑफ मेद धातु एंड मज्जा धातु। सेकेंड क्वेश्चन है अस्थि धातु की क्षय और वृद्धि के लक्षण लिखिए, राइट अस्थि धातु क्षय वृद्धि लक्षण। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है क्लेदक कफ के स्थान व क्रम लिखिए, राइट लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ क्लेदक कफ। फोर्थ क्वेश्चन है समान वायु के स्थान व क्रम लिखिए, राइट लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ समान वायु। फोर्थ क्वेश्चन है मास व स्त्रोतस के मूल व दृष्टि के हेतु लिखिए, राइट मूल एंड कॉज ऑफ द विटेशन ऑफ मास व स्त्रोतस। सिक्स क्वेश्चन है रस्व स्त्रोतस के परिपेक्ष में व्यन वायु का कार्य लिखिए। सातवां क्वेश्चन है कि राइट द ओरिजिन ऑफ रस धातु की उत्पत्ति लिखिए। आठवां क्वेश्चन है कि कप दोष के आश्रय भाव को लिखिए, राइट द आश्रय भाव ऑफ कप दोष। नवे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि जीएफआर को परिभाषित करते हुए इसके सामान्य मात्रा का उल्लेख कीजिए, डिफाइन जीएफआर एंड इट्स नॉर्मल वैल्यू। दसवें नंबर का क्वेश्चन राइट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ग्यारहवां क्वेश्चन है कि डिफाइन विटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स एंड इट्स नॉर्मल वैल्यू, वाइटल क्षमता को परिभाषित करते हुए सामान्य मात्रा का उल्लेख कीजिए। बारहवां क्वेश्चन है कि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को परिभाषित करें वह सामान्य मान का उल्लेख कीजिए, डिफाइन मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इज नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तेरहवां क्वेश्चन है कि डिफाइन एंटीकोगुलेंट एंड राइट नेम ऑफ एनी टू एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट को परिभाषित करते हुए किन्हीं दो एंटीकोगुलेंट के नाम का उल्लेख कीजिए। चौदह नंबर का क्वेश्चन है कि हीमोस्टेसिस की परिभाषा लिखे, डिफाइन होमियोस्टेसिस। ठीक है, पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है कि किडनी के एंडोक्रेनियल कार्यों को लिखिए, राइट एंडोक्रेनियल फंक्शन ऑफ किडनी। सेकंड पोर्शन में आपके पास में 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि वात दोष के गुण प्राकृत क्रम एवं क्षय वृद्धि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, राइट वात दोष जनरल प्रॉपर्टीज फंक्शन एंड क्षय वृद्धि लक्षण। सत्रहवां क्वेश्चन है कि षड् क्रियाकालों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन षड् क्रियाकाल। अठारह नंबर का क्वेश्चन है कि राइट शुद्ध शुक्र एंड शुद्ध शुक्र सार पुरुष लक्षण, मतलब शुद्ध शुक्र सार पुरुष के लक्षण लिखिए। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन बी सेल मेडिकेट इम्यूनिटी। ठीक है, मेडिकेट इम्यूनिटी जो बी सेल है उसकी मेडिकेट इम्यूनिटी में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रक्चर टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की संरचना भेद और कार्यों का संक्षिप्त वर्णन लिखिए। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सबस्टांस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पर वेरियस सबस्टांस के परिवहन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लास्ट पार्ट जिसमें आपके पास चार क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनमें 22 नंबर का क्वेश्चन है कि पित्त दोष की व्युत्पत्ति निरुक्ति स्थान भेद सहित कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन पित्त दोष व्युत्पत्ति निरुक्ति लोकेशन टाइप्स एंड देयर वर्क्स। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि रक्त धातु की व्युत्पत्ति निरुक्ति स्थान प्रमाण कार्य पंचभौतिकत्व क्षय वृद्धि एवं शुद्ध रक्त के लक्षणों का विस्तृत वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन इटिमोलॉजी डेरिवेशन लोकेशन प्रॉपर्टीज फंक्शन प्रमाण क्षय वृद्धि एंड फीचर्स ऑफ शुद्ध रक्त। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के न्यूरल और कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल का विस्तृत वर्णन कीजिए। 25 नंबर का और पेपर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में कि हृदय चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल विथ डायग्राम। तो
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया क्रिया शरीर फिजियोलॉजी का जो पेपर इंटरनल एग्जाम 2021 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर के द्वारा जो लिया गया था उसके पेपर पैटर्न और पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आपके पास आपको पूछे गए थे उनके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस किया। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।